नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर और मैं हूं नीतीश। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे बीएड के स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि जो लोग बीएड करना चाह रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा चांस है। लेकिन कई बार स्थिति ये बनती है कि सरकारें बड़ा गजब करती हैं। इस वीडियो में सरकार ने ऐसा ही किया है। 4 महीने बाद सरकार को होश आया, वो भी तब जब राजभवन से हस्तक्षेप हुआ, यानी कि गवर्नर को मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा और उसके बाद सरकार ने सोचा कि क्यों ना मौका दे दिया जाए। लेकिन यहां स्थिति इस तरह कर दी गई है जिस तरह से बगुले को एक बहुत ही बड़े चौड़ी थाली में भोजन परोसा जाए, यानी कि स्थिति ये हो गई कि भोजन तो सामने है पर वो खा नहीं सकता। सेम स्थिति यहाँ बीएड की होने जा रही है। पूरा वीडियो देखना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस वीडियो में काफी यूजफुल चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स बीएड को लेकर के कंफ्यूज हैं। वीडियो मैंने भी बनाया था एक साल, 2 साल और 4 साल वाला कि भाई इस तरह से सरकार करेगी, लेकिन फिलहाल उसमें अभी ठहराव की स्थिति है और 1 साल वाला पीजी वाला कोर्स है वो अभी लागू नहीं हो पा रहा। तो मेरा सजेशन ये है कि आपका जो फिलहाल 2 साल वाला बीएड कोर्स है उसमें आप एडमिशन ले लें, अपना टाइम अभी खराब ना करें, ठीक, जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं वो। और फिलहाल यहां बात कर लेते हैं इस बीएड के बारे में। ये जो बीएड कोर्स है ये 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स है। यहां वो लोग एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने 12th क्लास पास किया हुआ हो और जिनके 12th में 50% नंबर हो, ठीक है। अब ये नंबर है आपके जनरल के लिए, बाकी जो कैटेगरी है उन्हें वहां 5% की छूट दी जाती है, ठीक है। फिलहाल जो ये मामला जुड़ा हुआ है ये इस तरह से जुड़ा हुआ है कि अभी हम देखें सितंबर माह को उठा करके, मैं बात कर रहा हूं बिहार स्टेट की, ठीक है, बिहार राज्य के स्टूडेंट्स की। तो अभी सितंबर माह को उठा के देखें तो वहां इसका प्री एग्जाम हुआ था 4 ईयर वाले इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन के लिए, ठीक, और एग्जाम हो गया, उसके बाद काउंसलिंग हो गई। काउंसलिंग में स्टूडेंट्स को बुलाया लेकिन स्थिति ये रही कि बहुत ही कम लोगों ने इस कोर्स को चुना और उन्होंने इस कोर्स को फिर छोड़ दिया कि हम इस कोर्स को नहीं करेंगे। उसका कारण मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि काफी सारे कमेंट आए कि सर हम 4 साल वाला करना चाहते हैं उसके बारे में बताइए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 साल वाले में क्या प्रॉब्लम है और सरकार क्यों इस पर जोर दे रही है। एक्चुअल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसका समय। तो 12th के बाद आप 4 साल करते हैं तो आपको बीए बीएड की डिग्री मिलती है या बीएससी बीएड की डिग्री मिलती है। साइंस वालों को बीएससी बीएड की और आर्ट्स वालों को बीए बीएड की। तो यहाँ ये मामला फिलहाल जिसपे वीडियो बना रहे हैं ये बीए बीएड से जुड़ा हुआ है। एक्चुअली सितंबर में एग्जाम हुआ था, इसका रिजल्ट भी आ गया और उसके बाद भी काफी सारी सीटें यहाँ खाली रह गई। स्टूडेंट्स ने काउंसलिंग में शामिल हो गए वो लोग और उसके बाद भी सीटें अलॉट होने के बाद भी उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, ठीक, उसका कारण क्या रहा, ठीक है। तो सबसे पहला कारण तो ये था कि काफी सारे लोगों ने इस बीएड कोर्स को टाइमिंग के कारण इग्नोर कर दिया कि 4 साल लग रहे हैं। इसका एक और इम्पोर्टेंट कारण है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आप भी कहीं इसमें एडमिशन ले लें बाद में पता लगे कि ये बड़ी प्रॉब्लम थी तो फिर बाद में आप भी इसको जो है यहाँ से बैक हो, तो उससे बढ़िया कि आपको शुरू में इस चीज के बारे में पता लग जाए। फिलहाल सरकार ने क्या किया है, राजभवन के हस्तक्षेप के बाद अब 4 महीने बाद, सितंबर में इसकी काउंसलिंग थी तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, यानी अब चल रहा है फरवरी, और फरवरी में 11 फरवरी से अब इसकी काउंसलिंग फिर से शुरू होने जा रही है। तो इसमें एक बार दोबारा सरकार मौका देना चाहती है। सरकार का कहना है कि जो लोग बीए बीएड सीईटी में क्वालिफाई हैं वो लोग यहाँ काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। तो अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ काफी सारी सीटें खाली रहेंगी। कारण क्या, 4 साल के कोर्स की फीस जब आप सुनेंगे तो आपके तोते उड़ जाएंगे। इतनी फीस तो आप बहुत ही बढ़िया कोर्स को कर सकते हैं इतनी बड़ी फीस में। तो 4 साल की 4 लाख फीस तो सरकार की है, ठीक है, और ये वैसे भी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से करवाया जाने वाला बीएड है। तो इतनी फीस देकर के कौन इंसान है जो बीएड करेगा, ठीक है, जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा है तो वो करेगा या फिर जिसको समझ नहीं है वो करेगा, ठीक है। अब 4 लाख फीस देना कोई नहीं चाहता, इसलिए सीटें खाली रह गई और अब इसमें सरकार चाहती है कि दोबारा से इसकी काउंसलिंग खोल दी जाए। 11 से 15 फरवरी तक काउंसलिंग होगी, उसमें अगर कोई चाहे तो शामिल हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई शामिल होना चाहेगा और कोई इस तरह के कोर्स को बीएड को करना चाहेगा। इससे बढ़िया तो 2 साल वाला बीएड है जिसकी फीस आपकी बहुत ही कम है, 50 से 60 हजार रुपए में हो जाती है। यहाँ 4 लाख फीस तो कोर्स की है, फिर आप मान लीजिए कहीं कॉलेज में जाते हैं तो हॉस्टल में आप रहेंगे, बाकी खर्चा आपका अलग है, तो इतनी महंगी बीएड को कोई नहीं करेगा। तो सजेशन ये है दो लाइनों में कि आप बेटर है 2 साल वाला बीएड कर लें। आप ना तो फिलहाल इंटीग्रेटेड बीएड के बारे में सोचें यानी 4 साल वाले में, और ना ही आप ये अभी आइडिया लगाएं कि 1 साल वाला बहुत ही जल्दी लागू हो जाएगा, ठीक, ये स्थिति हुई। और अभी कुछ दिन पहले एनसीईआरटी की जब बैठक हुई थी
एनसीटी की, तो उसमें एक और मुद्दा आया था, वो ये था कि भाई जो बीएड कोर्स है उसको 4 साल का ही कर दिया जाए, यानी कि 2 साल वाला भी खत्म करेंगे, 1 साल वाला भी नहीं रहेगा और 4 साल वाला ही रहेगा। तो अभी स्थिति है कि सरकार खुद कंफ्यूज है कि शिक्षा का कौन सा मॉडल लागू किया जाए, क्योंकि सारे मॉडल ध्वस्त हो गए। बीएड कॉलेज हो चाहे कोई से भी कॉलेज है, यहाँ केवल और केवल धांधलीबाजी के अलावा कुछ नहीं हो रहा, आपकी फीस जा रही है और कोई भी वहां एजुकेशन के नाम पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति बनी हुई है, तो सुधार यहाँ करना चाहिए, ना कि फीस बढ़ा करके स्टूडेंट्स को टॉर्चर करना चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, पसंद आया लाइक और शेयर करें, चैनल पसंद आ रहा है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा देंगे आप तो मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।